हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा iOS 17.3 RC अपडेट का। आईफोन 13 में आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बैटरी बैकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, कनेक्टिविटी का क्या सीन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन रख लेना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। गाइज, मैंने आपको कल बताया था इसमें कुछ नए नए फीचर्स तो खास थे नहीं, यहाँ पर एक ये नया वॉलपेपर ही आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बैटरी लाइफ का क्या सीन है, तो यहाँ पर बैटरी लाइफ जो है कितनी अच्छी मिल रही है मैं आपको भी प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे आईफोन जो 13 की बैटरी हेल्थ है वो है 88%। और बैटरी से मैं इसलिए शुरुआत करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आजकल आईफोन 13 में बैटरी का इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स को, इसीलिए करता हूँ। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब बैटरी के ऊपर ही क्यों बनाते हो, तो मेन रीज़न मेरा यही है गाइस, 88% बैटरी है, ठीक है, बैटरी हेल्थ है मेरे आईफोन 13 की। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फ्राइडे 9:48 सुबह मैंने, यानी कि कल फ्राइडे था, 9:48 पर मैंने इसको 100% चार्ज किया, ऑफिस के लिए निकल गया और वहाँ पर मैंने अपना काफ़ी टाइम जो अपने आईफोन पे बिताया, काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी काम किया अपने आईफोन 13 से, काफ़ी वीडियोस भी बनाए, एडिट किया, अपलोड किया और स्ट्रीमिंग भी की। ये है आप लोगों के सामने प्रूफ। यहाँ पर अभी बज रहा है 11 बज रहा है गाइस, तो यहाँ पर हम लास्ट 24 आवर्स का अगर हम स्क्रीन ऑन टाइम देखें तो यहाँ पर आपको जो है 7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दिख रहा होगा। एंड स्टिल अभी आईफोन मेरे में जो बैटरी है वो 21% है, यानी कि अगर इस फोन को भी और यूज किया जाए तो ये 1 घंटे से ऊपर जो है आराम से चल जाएगा। तो 7 घंटे और 8 घंटे का बैटरी बैकअप आईफोन 13 में पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है जब से मैंने आईफोन 13 खरीदा है। इतनी अच्छी बैटरी लाइफ अभी तक पहले कभी किसी अपडेट में एप्पल ने नहीं दी। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके आईफोन 13 में बैटरी का इशू है, अपडेट पब्लिक बीटा अपडेट यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ये अपडेट कर सकते हो, बैटरी बहुत अच्छी चलेगी। एंड यहाँ पर अगर आपके पास आईफोन 12 है गाइस तो उस पर भी जो है 17.3 का स्टेबल अपडेट जब आएगा तब मैं इंस्टॉल करूँगा आईफोन 12 में और आपको बताऊँगा कि आपको इंस्टॉल करना है अपने आईफोन 12 में या फिर नहीं करना है। अभी 17.2.1 अपडेट में मेरे आईफोन 15 का बैटरी बैकअप जो है गाइस काफ़ी ख़राब जा रहा है, इसीलिए मैं इसमें जो है अभी अपडेट जो है इंस्टॉल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मेरे आईफोन 15 का बैटरी लाइफ, तो यहाँ पर अभी 100% बैटरी हेल्थ है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो बैटरी बैकअप है वो स्क्रीन ऑन टाइम 5 घंटे एवरेज में जो है इतना ही मिल रहा है। तो बैटरी बैकअप जो आईफोन 15 का उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो 17.3 का स्टेबल अपडेट आएगा तब जो है इन सभी आईफोन्स की मुझे लगता है एप्पल बैटरी प्रॉब्लम जो है फिक्स कर देगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी आईफोन्स में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, बट यहाँ पर मैं अपने सभी आईफोन्स पर टेस्ट करूँगा, उसका रिव्यू बनाऊँगा, तब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। नहीं तो कुछ आईफोन्स में जैसे आईफोन 13 में सही चल रहा है, हो सकता है 12 में उतना अच्छा ना परफॉर्म करे, तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो वीडियो रिव्यू वाली देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, थोड़ा 19-20 का भी फर्क नहीं है। बात करें विजेट्स, तो यहाँ पर ये विजेट्स जो क्लॉक वाला है, ये मेरा नया वाला विजेट है, आपको पता होगा ये गायब हो जाता है, जो कि हमेशा की तरह नॉर्मल प्रॉब्लम है। और वेदर का विजेट भी यहाँ पर गायब हो जाता तो मैंने उसको हटा ही दिया, क्योंकि वहाँ पे सभी एक्यूरेट जो है अपना डाटा दिखाते ही नहीं कभी कभी, तो यहाँ पर मैंने उसको हटा दिया। बात करें यहाँ पर कनेक्टिविटी का, तो अभी आई 17.2.1 में कनेक्टिविटी का ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आईफोन अपना IRC अपडेट में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी सही है, चाहे मैं बात करूँ एयर ड्रॉप की, मोबाइल डाटा की, बातचीत करने की, कॉलिंग वगैरह की, सारा कुछ अच्छी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ओवरहीटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है अपने आईफोन 13 में आज के टाइम पर, क्योंकि उतना टेम्परेचर भी नहीं है और सारा कुछ जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है। ऐप क्रैशिंग देखने को नहीं मिलती है, आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। बाकी गाइज यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप पब्लिक बीटा अपडेट यूज़ कर रहे हैं तो RC वाला अपडेट जो है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है मुझे तो अभी नहीं आ रही है। जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बता दी, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ऐप क्रैशिंग नहीं है, विजेट्स तो थोड़ा बहुत गायब होते हैं सभी जो है अपडेट्स में थोड़ा बहुत चलता है, बाकी कोई मेजर इशू जो है इस अपडेट में मुझे देखने को नहीं मिला है। बाकी 17.3 स्टेबल अपडेट जो है बहुत ही जल्दी आएगा, 23-24 तारीख को, जो ट्यूसडे आ रहा है अपना 23 तारीख को, उस डेट में जो है स्टेबल अपडेट आ जाना चाहिए, आ जाएगा, तो उसकी वीडियो आपको बना के इस चैनल पर मैं दे दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स होंगे, क्योंकि अभी 17.2.1 से 17.3 पर जाएंगे तो बहुत सारे जो है नए नए फीचर्स आएंगे, तो उन सबको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।